दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम देवव्रत अग्रवाल है और हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए। दोस्तों आपको पता है कि हर कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है और सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, पर क्या वाकई में सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है, ये भी आप जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे आप में से ही लगातार दिन में कई घंटे आपने बढ़ाए अपनी मेहनत के और अब बहुत अच्छी तरीके से भी मेहनत कर रहे हैं। और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने स्टूडेंट के बारे में सुनता हूँ कि वो कितनी मेहनत करके सफलता को प्राप्त करता है और सफलता प्राप्त करके एक नई सीमा को पार करता है और उसके बाद अपनी ज़िंदगी के नए पड़ाव में जाता है। सो ये देखकर ही एक दिल में एक सुकून पैदा होता है। ये जो स्टूडेंट है कभी हमारे इंस्टीट्यूट से भी पढ़कर यहाँ से निकला हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुदरत ने हर किसी चीज़ के पीछे एक नियम बनाया है, वैसे ही सफलता प्राप्त करने का भी एक नियम है। अगर उस नियम को अपने जीवन में यूज़ करेंगे तो निश्चित ही आप सफलता की ओर 100% आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता आपको आपकी सोच से पहले मिलेगी। तो वो आज एक नियम मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ और जो भी ये वीडियो देख रहा है वो इस नियम को कोशिश करें अपने जीवन में फॉलो करने की। दोस्तों ये नियम है पॉजिटिव वातावरण बनाकर काम करने की। जी हाँ, बहुत कठिन है, बहुत सरल भी है। दोस्तों बहुत कठिन इसलिए क्योंकि कभी कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि कभी उनके घर वाले ही वो जो काम करते हैं उसके लिए सपोर्ट नहीं हो पाते, तो वो कहाँ से, वो रात भर दिन भर अपने घर पर रहेगा तो वो कहाँ से पॉजिटिव लाएगा। तो उनके लिए कठिन है, पर उनको प्रयास करने हैं और उस चीज़ को पॉजिटिव बनाना है। क्योंकि अगर आपने पॉजिटिव बना लिया अपने आसपास का वातावरण तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव वातावरण मतलब एक अच्छा एटमोसफेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है सफलता के पीछे। और इसके पीछे बहुत सी कहानियाँ हैं, मैं आपको कोई सी भी कहानी इसके साथ सुना सकता हूँ। पर कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक बीज हैं और बहुत ही एक कमाल बीज हैं और आप में गुणवत्ता आप में बहुत कमाल की है, पर अगर खाद ही सही ना हो, मिट्टी ही सही ना हो, तो आप ग्रो कभी ज़िंदगी में नहीं करेंगे। वैसे ही अगर एटमोसफेयर आपको सही नहीं मिले दोस्तों, तो जीवन में बहुत दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ जाते हैं, बहुत से लोग वहीं से वापस भी लौट जाते हैं। सो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सफल होने के लिए ये नियम अपने जीवन में अपना लो। पॉजिटिव लोगों के दायरे के अंदर रहो, मतलब आपको लगता है कि आपके साथ में जो लोग नेगेटिव फीडबैक देते हैं, जो हमेशा आप उल्टी बात कहते हैं, जो हमेशा हर बात को व्यंग में ले जाते हैं, या किसी भी नए जो दिशा में भरने के टाइम पर जब हमें लगता है कि हमें जोश और जुनून चाहिए, पर वही चीज़ वहाँ पे वो नेगेटिव फीडबैक पैदा करते हैं, हर चीज़ में डर दिखाते हैं, हर चीज़ में डर पैदा होता है उनके अंदर भी। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों का साथ आप आज ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसे लोग तो खुद ना कभी ग्रो होंगे ना कभी वो आपको ग्रो होने देंगे। दोस्तों आपने सचिन तेंदुलकर का तो नाम सुना होगा, ऑब्वियस है कि सभी ने सुना होगा। जब कुंबले उनके साथ खेलते थे तो अगर उनका रिकॉर्ड खोला जाए तो उनने सेंचुरी बनाई और नहीं बनाई मुझे नहीं पता, बट इतना है कि जब वो सचिन के साथ बैटिंग करते थे ना तो 50-60 रन तो मार ही देते थे। कुंबले एक बॉलर थे, आपको पता कमाल के बॉलर थे, वर्ल्ड और उनका उनमें काफ़ी उनके रिकॉर्ड भी हैं उनके। तो कुंबले जब खेलते थे तो सचिन के साथ, जब वो एक महान बल्लेबाज के साथ खेलते थे, सो आप देखें आपने कि किस तरह से उनको एटमोसफेयर मिला। महान बल्लेबाज को देखते थे खेलते हुए, वो जब देखते थे कि वो उनके पास आके बोलते हैं कि तू टिकर है, खेलूंगा मैं, उसके साथ उनको जो फील मिलता था, उसके साथ जो उनको एटमोसफेयर मिला, उस टाइम पे भी वो 50-60 रन मार ही देते थे। तो इतना पॉजिटिव एटमोसफेयर जब मिलता है दोस्तों, जो जीवन में कुछ कर दिखाने की जो जुनून होता है, वो जुनून सक्सेस की ओर ले जाता है और सक्सेस दिला के ही रखता है। पर अगर आप नेगेटिव फीडबैक में काम करेंगे, आपके चारों ओर ऐसे लोग रहेंगे जो आपको हर समय आपको नीचे धकेल रहे हैं या आपको नेगेटिव कर रहे हैं, तो आपको भी ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा और मेहनत दुगनी हो जाएगी दोस्तों। सो इम्पॉर्टेंट ये हमेशा है कि हमेशा पॉजिटिव रहें, एक माहौल क्रिएट करें। अगर एक माहौल क्रिएट नहीं होगा सो आप उस माहौल का लुप्त नहीं उठा पाएंगे, आप अपने आप को लाइफ में पॉजिटिव नहीं कर पाएंगे। एक पुरानी कथा से एक मैं निकालना चाहूँगा, हिंदुओं की पुरानी कथा है महाभारत, आपने नाम सुना होगा। उसमें एक एपिसोड होता है कि जब अर्जुन के बेटे जो जाते हैं अकेले लड़ने के लिए, तो उनको घेर के मार दिया जाता है और उनको मारा एक वो एक अलग बात है, पर कहा यह जाता है कि जब वो मर जाते हैं और उनके बेटे,
तो उनके बाद में एक जयद्रथ करके एक जो दूसरे सेना से है, कौरव की सेना से है, वो उनकी लाश को भी लातों से मारता है और उसके बाद भी एक दुर्व्यवहार करता है उसकी लाश के साथ, अर्जुन के बेटे के साथ। तो जब ये बात अर्जुन को पता चलती है तो पहले तो वो बहुत रोता है, और फिर बाद में जब उसको ये पता चलता है कि उसके मर जाने के बाद भी, क्योंकि ये एक विरुद्ध है एक युद्ध के, कि मर जाने के बाद आपको उनकी जो लाश होती है वो आपको सामने वाले को देनी होती है, सेनाओं को, फिर उसके उसके साथ भी उन्हें दुर्व्यवहार किया, तो अर्जुन एक प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन सूरज ढलने से पहले मैं इसका वध करूंगा जयद्रथ का, अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। तो दोस्तों ये सुनकर कौरव की जो सेना है वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि एक दिन, सिर्फ एक दिन हमें जयद्रथ को संभाल कर रखना है, उसको बचा के रखना है अर्जुन से, क्योंकि अगर अर्जुन मर जाता है सो आदि तो वैसे ही वो जीत जाते हैं। पर आपने देखा, जब एक जुनून एक अंदर आग के शोले की तरह जलता है दोस्तों, तो वो कुछ भी हो जाए जीवन में, वो आग जब तक नहीं शांत होगी, जब तक कि वो करके नहीं दिखाएगा वो चीजें। कौरव ने जयद्रथ के सामने हजारों बड़े बड़े सेनाओं के महारथी को सामने रख दिया, उसके सैनिक हो गए, उसके सबसे लड़ते हुए अर्जुन एक एक को परास्त करते हुए, जब आखिरी में तब भी वो जयद्रथ के पास नहीं पहुंचा, तो थक के वो हारा नहीं दोस्तों, वो लड़ता रहा। और ये सोच के जो उनके साथ थे, पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए जो उनके साथ थे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया, उन्होंने एक बादलों को आदेश दिया, तो बादलों ने सूरज को ढक दिया और एक माहौल बन गया कि मानो जैसे रात हो गई है। और जैसे ही शाम का माहौल बना, जयद्रथ ने देखा कि शाम हो गई है, अरे ये तो मैं जीत गया हूं, अर्जुन को अब अग्नि स्नान करना पड़ेगा, वो सेनाओं के आगे आके खड़े हो गया और नाचने लगा। और ये देखकर सेनाएं भी कौरव की खुश हो गई कि हाँ, अब तो अर्जुन को अग्नि स्नान करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने वचन ऐसा लिया था। ये देखकर सारे जो पांडव हैं ये जाते हैं श्री कृष्ण के पास, बोलते हैं कि प्रभु आप ही कुछ कीजिए कि हमारे जो भाई है अर्जुन को हम खो देंगे। सो वो वापस उस आसमान की तरफ देखते हैं और वो बादल हट जाते हैं और वापस ही उजाला आ जाता है, जैसे कि प्रतीक होता है कि दिन ही है। और जैसे ही दिन का माहौल मिलता है अर्जुन को, सिर्फ वो एक माहौल चाहिए था, उसने तीर उठाया और एक बार में ही उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया और उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। दोस्तों, क्या वाकई में अर्जुन ने जयद्रथ को मारा? नहीं, वो माहौल क्रिएट हुआ और वो बनाया भगवान श्री कृष्ण ने। वैसे ही हमारे जीवन में भी एक माहौल क्रिएट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारे जीवन में एक पॉजिटिवनेस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेहनत आप भी करते हैं और हम भी करते हैं, पर हम अपने आसपास हमेशा पॉजिटिव माहौल रखते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको नेगेटिव फीडबैक देंगे, बहुत से लोग आपके लिए अच्छी बातें नहीं कहेंगे, पर दोस्तों जरूरी है क्या कि उनकी बातें सुने? आपने जीवन में हमेशा सिर्फ उनकी सुनी है जिनकी आप चाहते हैं आप सुनना, तो फिर ये लोग कौन होते हैं जो आपको कह रहे हैं और आप इनकी बात सुन रहे हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर कुछ करना है, कुछ बढ़ना है, आगे कर दिखाना है अपने आप को, तो पॉजिटिव रहिए, एक पॉजिटिव माहौल में काम कीजिए और अपने हर समय का सदुपयोग कीजिए। अपने हर समय के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में दुनिया में अगर कोई भी एक चरम सीमा के ऊपर है तो उसको नोटिस कीजिए कि वो कितना काम करता है, उससे आधे घंटे थोड़ा ज़्यादा काम कीजिए, अपने काम को लेकर थोड़े से सीरियस हो जाइए दोस्तों, क्योंकि सीरियस अगर आप नहीं होंगे तो वक्त एक दिन सीरियस आपको करेगा और शायद उस दिन आपको बुरा लगे कि वक्त ने ये आपको दिखाया। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में हमेशा अच्छा करें, पॉजिटिव माहौल क्रिएट करें, और नेगेटिव हो रहा है तो उससे दूर रहें, कोशिश करें कि आप उसको अवॉइड करें, मेहनत करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। देवदत्त अग्रवाल हमेशा यही चाहता है और आप एक दिन सफल होकर रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू वेरी मच, इसी तरह वीडियो देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।